हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। जो काउंसलिंग आपकी चल रही है, रिपोर्टिंग जो चल रहा है, उसमें जो अलॉटमेंट लेटर आपके आए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपके अलॉटमेंट लेटर दोबारा से कैंसिल हो सकते हैं या काउंसलिंग में फिर से कोई गड़बड़ी हुई है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काउंसलिंग रुक सकती है या नहीं रुक सकती, ये सब डाउट जो आपके चल रहे हैं वो डाउट मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, ठीक है। सबसे पहले हम आरएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो वहाँ आपको कोई नोटिफिकेशन नज़र आता है नहीं आता। सबसे पहले हम आरएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेते, ओपन कर लेते हैं आरएचएस। जब इस ऑफिशियल वेबसाइट को हम खोलते हैं तो हमें इस पेज पर पहुंचा दिया जाता है। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें देखते हैं लेटेस्ट न्यूज़ में क्या अपडेट मिलते हैं। एक तो डिप्लोमा से रिलेटेड है, ये तो देख लो, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट नहीं है, ठीक है। तो अब देख लो आप, कोई भी अपडेट नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर वो सर बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं कि आपकी काउंसलिंग कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो कैंसिल नहीं होगी आपकी काउंसलिंग। अब आज से आपके स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गए कॉलेज में, आज से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एडमिशन भी हो चुका है, देख लो आप। एक मिनट इस पर भी जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी पोर्टल पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहे हैं, देख लो आप। मैं भी एक डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। चेंजेस, एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको, आप खुद पता लग जाएगा कि हाँ काउंसलिंग कोई चेंजेस नहीं हुई है, ठीक है। अब काउंसलिंग आपकी ना रुकेगी ना ही, 1 मार्च तक आपको किसी भी हालत में रिपोर्टिंग करनी है। सेकेंड राउंड में आप तभी पार्टिसिपेट कर पाओगे जब आप फर्स्ट राउंड सक्सेसफुली रिपोर्ट कर लोगे। तभी फर्स्ट राउंड सक्सेसफुली रिपोर्ट करने के बाद ही आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। वेट, अब मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है या नहीं होता। ये देख लो दोस्तों, सीट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन जैसे का जैसा आ रहा है, ये देख लो। अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करते ही यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ये देख लो यार। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, जो वीडियो आप देख रहे हो, जो वीडियो आपको नज़र आ रहा है आरएचएस का कि काउंसलिंग पोस्टपोन्ड होगी, तो वो पुराना वीडियो, उस पर ध्यान मत दीजिए। वो ओल्ड वीडियो किसी गलती की वजह से वो पब्लिश हो चुका है, तो आपको परेशान नहीं होना और आपको अपने जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाकर काउंसलिंग। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। काउंसलिंग करवा लेने, रिपोर्टिंग करनी और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइए, वो नहीं तो आपका इस चक्कर में आपका कॉलेज छूट सकता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके आप कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दीजिए, ठीक है। बाकी जिसको कोटा मिला हो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोटा के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, किस किस से कॉन्टैक्ट करना है, उनके मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ मैं अपलोड कर चुका हूँ। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फिर भी कॉल कर सकते हो हमारे, ठीक है। धन्यवाद।